सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम जो है ये वाला चैप्टर 15 चैप्टर जो मुहावरे हैं उसको हम स्किप कर रहे हैं, वो चैप्टर आपको नहीं करना है। अब हम 16 चैप्टर के बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है। तो 16 चैप्टर है पत्र लेखन, इसमें बहुत सारे पत्र दिए हुए हैं, ओके। ये देखिए, बहुत सारे मित्र को जन्म दिवस पर निमंत्रण पत्र, पिता को पत्र, सहेली को पत्र, और ये जो है स्कूल का प्रार्थना पत्र है ना। तो ये वाला जो प्रार्थना पत्र है ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसको लर्न करना है। तो ये एक ही जो है आपको इसको अपनी कॉपी में लिखना है, लर्न करना है, ठीक है। प्रार्थना को प्रधानाचार्य को बीमारी के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है, लीव एप्लीकेशन है मतलब ये। तो ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में और इसको अच्छे से लर्न करना है, एग्ज़ाम में आएगी उस हिसाब से, ठीक है। और नेक्स्ट है आपको 17 चैप्टर। 17 चैप्टर में क्या है, कहानी लेखन। अब इनमें जो है इस चैप्टर में कहानियाँ दी हुई हैं, 3 कहानियाँ दी हुई हैं इसमें, 3, ठीक है। तो आपको इनमें से कोई सी भी एक कहानी को लर्न करना है और अपनी उसमें कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो कोई सी भी आप एक कहानी, चतुर लोमड़ी या हाथी और दर्जी या फिर समझदार मेंढक, इन तीनों में से कोई सी भी एक कहानी जो आपको अच्छी लगे वो आप इस अपनी कॉपी में लिख कर और लर्न भी करेंगे, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आएगी। तो हमने जो है चतुर लोमड़ी पर टिक लगा रखा है और आपको ये नहीं करना है तो आप दूसरी कर सकते हैं, ओके। एक कोई सी भी एक कहानी आपको लिखना है अपनी कॉपी में और लर्न करना है। और नेक्स्ट है ये, तो यहाँ पे क्या करना है, ये चित्र दिए हुए हैं कहानियों के, ठीक है ना, और नाम भी दिया हुआ है कहानी का, तो हमको इनको चित्र देख कर इनकी कहानी लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको जो इजी लगे वो आप चित्र देख कर अपने मन से इसकी कहानी लिखेंगे। तो देखो, कौवे की कहानी सभी को ज़्यादातर पता है, तो आप कौवा वाली कहानी को चित्र देखकर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका माइंड से आप लिखेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी, ओके। अपने दिमाग से करेंगे आप इसको कि कौवा एक उड़ रहा था, उसको प्यास लगी, उसको मटका दिखा, उसने सोचा नीचे है पानी, अब इस पानी को मैं ऊपर कैसे लाऊं। उसके बाद वो जो कौवा गया, कुछ कंकड़ लेकर आया, उसने मटके में डाला, पानी ऊपर आ गया, कौवे ने पानी पी लिया और वो उड़ गया। इस तरीके से आप चित्र को देख देख कर एक कहानी छोटी छोटी कम से कम 7-8 लाइन्स में या 10 लाइन्स में आप इसको लिखेंगे। तो इसके बाद जब आप लिखने के बाद फेयर कॉपीज चेक होंगी, जब हम उसमें चेक कर देंगे आपकी फेयर कॉपी में आपको लिखना है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आप जो हैं निबंध पे, निबंध लेखन। तो निबंध लेखन हमने आपको गाय का तो पहले बता ही दिया था लर्न करने को, है ना। इसमें से मेन जो हैं कुछ मेन 7-8 या 10 लाइन्स हमने आपको लिखवा दी थी, तो वो आपको लर्न करना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक कोई सा भी और जो है निबंध लर्न करना है। तो आप दूसरा आप कौन सा करेंगे, ये वाला करेंगे, मेरा घर, ठीक है। इसमें से कम से कम कोई भी 6-7 लाइन्स आप अपने मन से बनाकर मेरे घर के बारे में लिख सकते हैं, यानी मेरा घर, यानी मेरा नहीं आपका घर, ठीक है। आपको अपने घर के बारे में जो है इसमें से देखकर कोई भी 6-7 लाइन्स आप लिख सकते हैं, तो वो निबंध हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दिया ही हुआ, जैसे मेरा एक अपना घर है, ये घर शहर से मैं स्थित है, पिताजी माताजी तथा मैं इस घर में रहते हैं, मेरे दादा दादी गांव में रहते हैं। इस तरीके से ये पूरा आप कम से कम 7-8 लाइन्स बना लेना इसी में से, या कुछ अपने मन से भी आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा घर के बारे में है ना, आप अपने घर के बारे में तो लिख ही सकते हैं, ओके। सो लाइक दिस हमारा ये हिंदी ग्रामर पूरा कंप्लीट हो गया है। 2 निबंध करने हैं आपको, एक स्टोरी करनी है और एक एप्लीकेशन करनी है। सब अपनी कॉपी में लिख के रखेंगे और लर्न करेंगे, क्योंकि जब हम फेयर कॉपी मंगाएंगे